जाननम भूतगणादि सेवितम समेतजं भो फलचारु भक्षणम उमाशुतम शोक विनाशकारकम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम सिद्धि बुद्धि लक्ष लाभ सहितायो महागणपते नमः। गंधम समर्पयामि, अक्षतान् समर्पयामि, दुर्वांकुरान् समर्पयामि, आयुषो वृद्धे गुलाधम प्रीतिवर्धनम सिंदुरेण समायुक्तम सौभाग्यम प्रतिगृहीयद सौभाग्य परिमल मंगल्यम समर्पयामि। सर्वोपचारार्थे नमस्कारान् समर्पयामि, नमस्करोमि। कलशं पूजयेतः, कलश को हाथ लगाइए। विश्वाधारासि धरणी शेषनागो परिस्थिता ऊर्ध्वदासी वराहेण कृष्णेन सदबाहुना हैमरुप्यादि सम्भूतं ताम्रज सुद्रवं नवं कलशं धौतकलमाशं छिद्रवर्ण विवर्जितम् इति मन्त्रादाभ्य उदानं सर्ववस्तूनां सर्वकार्यार्थसाधनं सम्पूर्ण कलशो येन कलशं तत्कलशोपरि परिवारं जनानां सर्वेषां तेनायो प्रमाणेन पुण्यं पुण्याहं दीर्घमायुरस्तुति भवन्तो भ्रुवन्तो तेनायो प्रमाणेन पुण्यं पुण्याहं दीर्घमायुरस्तु तेनायो प्रमाणेन पुण्यं पुण्याहं दीर्घमायुरस्तुति भवन्तो भ्रुवन्तो तेनायो प्रमाणेन पुण्यं पुण्याहं दीर्घमायुरस्तु भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। वसने भाविकरे स्वाहा। बोलिए गणपति गजानन महाराज की जय।
स्वाहा। ओम अग्निवायु सूर्येभ्य स्वाहा। ओम अग्निवायु सूर्येभ्य स्वाहा। ओम अग्निवायु सूर्येभ्य स्वाहा। ओम अग्निवायु सूर्येभ्य स्वाहा। गणेश देवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश देवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एकदंत दयावंत चारभुजधारी। एकदंत दयावंत चारभुजधारी। मस्तक सिंदूर सोए मुझे की सवारी। मस्तक सिंदूर सोए मुझे की सवारी। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। लडवन का भोग लगे संत करे सेवा। भगवन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आंख दे कोढ़िल को काया। अंधन को आंख दे कोढ़िल को काया। वांजन को पुत्र दे निर्धन को माया। वांजन को पुत्र दे निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश देवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। आरती साईं बाबा सौख्य दातार जीवा। दातार जीवा करणार जारी। जावा दाता विसावा माता विसावा। आरती साईं बाबा चालू निया आनंद रवर जगदंग एतरंग मुमुक्ष जनदारी। निज डोला श्रीरंग डोला श्रीरंग आरती साईं बाबा। जय मन जैसा भाव तया तैसा अनुभव तैसा अनुभव। लावी जयना तुझी माव तुझी माव। आरती साईं बाबा तुमसे नाम जाता। हरे समृद्धि व्यादा समृद्धि व्यादा। अगकगकरणी मार्ग लावी सनादा लावी सनादा। श्रीमारी प्रभु पद पावया भव भयनिवारी भयनिवारी। आरती साईं बाबा तव चरणज सेवा चरणज सेवा। आज तो आपके लिए बहुत खुशी का दिन होना चाहिए। आज आपकी वाइफ जो है प्रोडक्शन में उतरी है, आपको कैसा फील हो रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, मेरे लिए बहुत खुशी का दिन है कि आज मेरी वाइफ का एक सपना पूरा होने जा रहा है। एक्ट्रेस तो वो थी ही, प्रोड्यूसर बनना था उसे, तो पहली बार ये दूरदर्शन के लिए पायलट बन रहा है उसके प्रोडक्शन में संतोष क्रिएशन के नाम से। और अविका ग्रुप प्रेजेंटर हैं इसके। मुझे तो खुशी होगी कि ये आप अभी बोल रहे हैं कि बहुत दिनों से सपना था, लेकिन ये प्रोडक्शन में आने का इतना लेट ख्याल क्यों आया है, इतना विलंब क्यों हुआ? मैं तो ये कहना चाहूंगा कि सपना देखने का हक तो सबको है, अब ये बात है कि वो सपना पूरा कैसे किया जाए। तो मैं तहे दिल से आनंद बिहारी यादव जी का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि ये सपना उन्होंने पूरा किया। हमारे लाइफ में उनका आना, अविका ग्रुप का इन्वॉल्व होना,
ये हमारे लिए बड़े ही सुखदाई है और उसकी वजह से ही ये सपना पूरा हो पाया। शायद इससे पहले आनंद बिहारी यादव जैसे कोई नहीं मिले और जिन्होंने ये बीड़ा उठाया उपासना के सपने को साकार करने का। आपके सीरियल का एक नाम क्या है और इस सीरियल के माध्यम से आप क्या बताना चाहते हैं? सीरियल का नाम आप लोगों को बता दें, दस्तक सुबह की। दस्तक मतलब नॉक, सुबह की। सुबह यहाँ जो मतलब है वो है सफलता, सक्सेस, हर नई दिन की शुरुआत के लिए। जैसे मोदी साहब ने नारा दिया था अच्छे दिन आने वाले हैं, तो अच्छे दिन की शुरुआत सुबह से ऐसा रिजेंबल किया गया हुआ है। तो दस्तक की नॉक, हम कहानी में ये बताना चाहते हैं कि हमारे जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं वो इशारा कर रहे हैं कि अब अंधेरा छटने वाला है, अब उजागर आएगा, उजाला आएगा, अब सुबह होने वाली है। तो हर इंसिडेंस में हमने ये चीज लेकर चला, हमारे डायरेक्टर, हमारे पटकथा, हमारे स्क्रीन प्ले डायलॉग्स में ये सारा कुछ मेंशन किया गया हुआ है कि इन सब चीजों से एक नई चीज, नई जिंदगी, नए जीवन की शुरुआत हो रही है, रोशनी नई आ रही है, नई किरण दिखने को मिल रहा है। तो कहानी का एक्चुअली सारांश यही कह लीजिए कि अब अंधेरा खत्म हो गया है, अब उजाला आने वाला है। आप भी एक्टर हैं नीरज जी, आपकी वाइफ भी एक्टर हैं, लेकिन वो प्रोड्यूसर हो गई, लेकिन उनको भी हर मोड़ पे साथ की जरूरत है, तो आप उनका साथ कैसे देंगे? साथ कैसे देंगे, अब तो 7 साल हो गई हमारी शादी की और अब तक तो साथ दे ही रहे हैं और ऊपर वाला चाहा और सब लोगों का आशीर्वाद प्यार रहा तो साथ देते ही रहेंगे। सीरियल में आपकी क्या भूमिका होगी? भूमिका जब आप लोगों को बता दो, पत्नी का मतलब अर्धांगिनी होता है, यानी वो 50% मालकिन है तो 50% मालिक मैं भी हूँ, और अगर 50% जिम्मेदारी उसकी है तो 50% मेरी भी जिम्मेदारी है, और मैं चाहूंगा कि वो अपनी जिम्मेदारी में हमेशा अव्वल रहे, सफल रहे। इसके लिए मुझे जो सपोर्ट मुझसे हो पाएगा, तन मन हर तरह से, मैं तो करूंगा ही। एक लास्ट सवाल नीरज जी, आप आज इस खुशी के मौके पे अपनी बीवी को 2 शब्द में क्या बोलना चाहते हैं? कुछ गा के या कुछ ऐसे वर्ड की जो आज वो प्रोड्यूसर बनी उनके लिए 2 शब्द आप क्या कहना चाहते हैं? मैं यही कहूंगा कि मेरी धर्मपत्नी के लिए प्यार और आशीर्वाद तो हमेशा मेरी ओर से है, चाहे जिस रास्ते पे चले, जिस रास्ते में ना पॉजिटिव वे, नॉट नेगेटिव वे में, जिस रास्ते पे चले मेरा साथ हमेशा है और ताउम्र जब तक मैं हूँ तब तक इतनी इस बात की गारंटी दे सकता हूँ कि वो हमेशा सफल रहे, मेरा आशीर्वाद उसके साथ है, ब्लेसिंग हमेशा साथ है और गाइड करता रहूंगा जितना मैं सक्षम हो पाऊंगा। धन्यवाद। थैंक हरी यादव जी, अविका ग्रुप के चेयरमैन। आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपने ये कैसे सोचा कि मीडिया लाइन में आना है और इस प्रोडक्शन को सपोर्ट करना है, संतोष क्रिएशन को सपोर्ट करना है? एक्चुअली मीडिया लाइन में तो मैं आज से 4-5 साल पहले आ चुका था। 5 साल पहले मैंने मनोज तिवारी के साथ CCL में एंट्री की थी, सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग में भोजपुरी दबंग टीम मैंने खरीदा था, तब से मैं मीडिया लाइन में आ गया था। लेकिन बीच में मेरा ब्रेक हो चुका था क्योंकि इस मीडिया लाइन में मैंने देखा इस बॉम्बे में आने के बाद कि बहुत से लोग ऐसे मिले कि जो कहते कुछ थे करते कुछ थे। तो ये 2 साल के उठापटक के बाद लास्ट में मेरे मोबाइल का लॉन्चिंग था मेरी बेटी के बर्थडे पे 3 नवंबर को, तो उस समय उपासना जी से हमारी मुलाकात हुई और वो मुलाकात जो एक फैमिली फ्रेंड फैमिली के रूप में बढ़ती गई और बाद में हमको ये फील हुआ कि नहीं, ये जो है औरों से हटके हैं, इनके अंदर वो चीज नहीं है, ये जो कहती हैं वो करती हैं, इनके साथ जुड़कर हम अपना सपना पूरा कर सकते हैं, इसलिए जो है फिर हमने इस कदम को आगे बढ़ाया। तो ये संबंध के बिना पे आप ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं या एक बिजनेस पर्पस से कर रहे हैं? नहीं, देखिए कोई भी बिजनेस करने से पहले एक आपस में प्यार संबंध जरूरी होता है, एक दूसरों की भावनाओं को समझना जरूरी होता है, एक दूसरों के अंदर की अहमियत को समझना जरूरी होता है, एक दूसरे का विश्वास हासिल करना जरूरी होता है, तभी आदमी बिजनेस कर सकता है, तभी आगे बढ़ सकता है। जहाँ तक लोग जानते हैं कि आनंद बिहारी यादव का जी का जिनका जिन पर हाथ पड़ जाता है वो सफलता की ओर गोते लगाने लगते हैं, तो क्या लगता है ये सीरियल कब तक आपके ऑन एयर हो सकती है और होने वाली है? ऐसी बात नहीं है नीरज जी, मेरा हाथ कोई ऐसा नहीं है कि जिसके ऊपर पड़ जाएगा वो हमेशा आगे चला जाएगा, आगे वाले की मेहनत पे डिपेंड करता है और भगवान ऊपर देखता रहता है कि आपके कर्म कैसे हैं। हमारे साथ, मैं उन्हीं लोगों को अपने साथ जोड़ता हूँ जो लोग अच्छे होते हैं, जिनके अंदर छल कपट नहीं होता, इसीलिए हमारे साथ कोई भी प्रोजेक्ट कोई भी करता है तो हमेशा आगे बढ़ता है। ये सीरियल कब तक ऑन एयर हो जाएगा?
ये सीरियल अभी पायलट शूट हो रहा है, पायलट शूट होने के आई थिंक 1 से 2 महीने के अंदर ये ऑन एयर हो जाएगा। अच्छा अच्छा, और कुछ कहना चाहेंगे पब्लिक को आप? नहीं कुछ नहीं, थैंक यू। आपका स्वागत है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। हम ये जानना चाहते हैं कि आप इस प्रोजेक्ट में कैसे जुड़े हुए हैं? मेरे बेटे जुड़े हैं, आनंद बिहारी यादव जो मेरे बेटे हैं, और उपासना सिंह जी हैं उनके साथ, मैं उनका भी स्वागत करती हूँ, अपने बेटे आनंद बिहारी का भी स्वागत करती हूँ। आप कुछ कहना चाहेंगे उपासना सिंह जी के बारे में? हमें बहुत गर्व था, मेरे बेटे जब छोटे थे तो मैंने बार बार यही कहती हूँ कि मैं उनके जब उनका पालन पोषण करती थी, बच्चे थे तो मैं यही सपना देखती थी कि तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन जंग भी मेरा राज दुलारा। तो आज उस ऊंचाई पर वो जा रहे हैं, अब मुझे गर्व है कि उपासना सिंह जैसे साथी मिले हैं जो उनको और आगे ले जाएंगे। थैंक यू। जैसे कि सब जानते हैं कि आप पॉलिटिक्स में हैं जी, तो अजीब इत्तेफाक नहीं है मीडिया में आप कंसर्न कर रही हैं, आपके बेटे उधर इन्वॉल्व हो रहे हैं और आप पॉलिटिक्स में हैं? मीडिया अलग है, पॉलिटिशियन अलग है। मैं पॉलिटिक्स हूँ, आज भी रहूंगी, कल भी रहूंगी, और मेरे बेटे ऊंचाई पे जाएं, वो बिजनेस करें, अच्छी बात है। बिजनेस पॉलिटिशियन का दोनों मेल तो है ही है, बगैर पॉलिटिशियन बिजनेसमैन के नहीं चल सकता, बिजनेसमैन को भी पॉलिटिशियन की जरूरत पड़ती है, एक दूसरे के दोनों पूरक हैं। तो इसलिए मुझे अच्छा लगा। नहीं वो तो आगे की बात है। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, और मेरे जो बेटा है ये दिल के बिल्कुल साफ है और छल कपट में बिल्कुल नहीं है, और साईं बाबा इनके साथ हैं, भगवान जो भी ये काम करते हैं उसमें इनको हमेशा सफलता मिलती है और आगे भी मिले। और इसमें इनका साथ दे रहे हैं उपासना सिंह, आपको कैसा लग रहा है? वो भी बहुत अच्छी हैं, और उनका जो भी काम है, पहले भी हमने कई उनकी पिक्चर देखी हैं, सीरियल देखी है, उसमें सब में हिट रही है, और हमें उम्मीद है कि आगे से आगे जो इनका शो चल रहा है 10 तक सुबह की, ये भी बहुत हिट होगा।
दस तक नई सुबह की क्या कहेंगे? एक सीरियल और सही, लेकिन इसमें खास बात यह है कि इसकी जो प्रोड्यूसर हैं उपासना, बहुत काम कर चुका हूं मैं उनके साथ। 10-11 साल पहले मैंने एक पंजाबी फिल्म बनाई थी, साड़ा मुकद्दर, उसकी हीरोइन रह चुकी हैं। फिर 2-3 सीरियल मैंने इनके साथ किए हैं और बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस हैं, तो अगर वो सीरियल बना रही हैं तो उम्मीद करता हूँ कि ये बहुत ही अच्छा सीरियल होगा। क्या सीक्वेंस है आज का फर्स्ट डे? आज सीक्वेंस ये है कि ठाकुर साहब की हवेली में मैं आता हूँ। मेरा रोल एक रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिसर का है जो सरपंच भी है और गांव में तरक्की देखना चाहता है कि गांव खुशहाल हो, लेकिन ठाकुर के होते हुए ये सब ठाकुर होने नहीं देता। और यही मेरी जद्दोजहद है इसमें कि मैं किस तरह से ऐसे लोगों को बुलाऊं, कोई मास्टर्स और ये, जो गांव को खुशहाल देखे। और इस फिल्म के प्रेजेंटर आनंद बिहारी जी, उनका हम क्या कहेंगे? आनंद जी हाँ प्रेजेंटर हैं और आनंद जी से मेरी मुलाकात बस थोड़ी दिन पहले हुई थी। बहुत बड़े पैमाने पे वो बना रहे हैं ये सीरियल और मैं उम्मीद करता हूँ कि इसी तरह बस वो करते रहें और ये वन ऑफ द बेस्ट सीरियल्स हो DD पे। और आपके कुछ नए प्रोजेक्ट आ रहे हैं? नए प्रोजेक्ट्स तो अभी फिलहाल तो 2 चल रहे हैं। DD का नंबर 1 शो जो है जिंदगी एक भंवर, उसमें मैं कर रहा हूँ, मैं, जरीना वहाब और रजा हैं उसमें। और दूसरा मेरा शो सम्राट अशोक चल रहा है कलर्स पे। अब 4-4.5 साल के बाद मैं फिर से हिंदी फिल्में करने जा रहा हूँ, क्योंकि 4 साल मैंने सिर्फ टेलीविज़न किया जहाँ हर वक्त 2 शोज मेरे चलते रहे और वो सारे शोज भगवान की कृपा से अपने चैनल के नंबर 1 शोज रहे हैं। बीच में मैंने 2-3 पंजाबी फिल्में की थी, एक तेलुगु फिल्म की, लेकिन अब आ गया वक्त। प्रोड्यूस भी किए हैं कुछ और आगे कुछ प्रोड्यूस करने के प्रोग्राम? प्रोड्यूस तो नहीं बट मैं डायरेक्ट ज़रूर करूँगा, मेरी स्क्रिप्ट है और मेरी ही स्क्रिप्ट है और जिसे मैं डायरेक्ट करना चाहता हूँ। अब देखते हैं कब मौका मिलता है। जी आप हमें काफ़ी अच्छा लग रहा है और हमें नई सीरियल कर रहे हैं 10 तक नई सुबह की, जी वो उपासना सिंह प्रोड्यूसर है और मेरा कैरेक्टर है शाबाश खान की वाइफ का जिनका नाम है गायत्री। और आज पहला दिन है, हमने कॉस्ट्यूम पहन लिए, बहुत अच्छा लग रहा है और सीन्स भी हाथ में आ गए हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है। और मैं उपासना सिंह को बहुत बहुत शुभकामना देना चाहती हूँ कि उन्होंने नया प्रोडक्शन खोला है और उनके बैनर में ये दूसरी सीरियल चालू हो रही है, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड ऑल द बेस्ट। और हम यही साथ मिलकर काम करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। हेलो, मेरा नाम करण सिंह है और मैं उपासना जी की इस प्रोड्यूस शो में दस्तक एक नई सुबह की, उसमें करमवीर का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ, शाबाश जी का बड़ा बेटा। और उपासना जी को मैं बहुत 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 कंग्रेचुलेशंस देना चाहूँगा इस नए प्रोजेक्ट के ऊपर एंड हमारी सबकी यही दुआ रहेगी भगवान से कि ये बहुत अच्छा चले और बहुत लंबा चले और हम सब एक अच्छा काम कर पाएँ। थैंक यू सो मच। लास्ट मैंने स्टार प्लस के लिए मेरी भाभी किया था, उसके बाद क्राइम पेट्रोल एपिसोड X, बस ये। एंड आई एम वेरी एक्साइटेड उपासना जी के साथ काम करने में एंड होपफुली बहुत अच्छा रहेगा ये सफ़र इस सीरियल के साथ। जी आपको एक्टिंग करते हुए हम लोगों ने तो बहुत देखा है, लेकिन आज आपको कोई सीरियल प्रोड्यूस करते हुए सुन रहे हैं और देख रहे हैं, कैसा महसूस हो रहा है आपको? एक्टिंग और प्रोड्यूस ये दोनों लाइन अलग अलग है, आपको क्या महसूस हो रहा है? मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी प्रोडक्शन लाइन में जाने की और मेरे लिए आज बहुत ही खुश, मैं बहुत खुश हूँ और बहुत मुबारक दिन है मेरे लिए क्योंकि मैं अपनी मदर के नाम पर एक सीरियल स्टार्ट कर रही हूँ जिसका नाम है दस्तक नई सुबह की। और मेरी मदर संतोष उनका नाम था, तो संतोष क्रिएशंस के नाम से हम सीरियल बना रहे हैं। मेरी पार्टनर हैं उषा जी, और
मैं उपासना सिंह, उषा यादव मिलके हम ये सीरियल बना रहे हैं और अविका ग्रुप इसे प्रेजेंट कर रहा है। तो मुझे लगता है कि जो मैं कुछ 5-6 साल से सोच रही थी कि मुझे एक प्रोडक्शन हाउस स्टार्ट करना है, तो ये उसकी शुरुआत है। और इसके अलावा भी हमने बहुत कुछ सोच रखा है, खैर वो सोच तो जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे मैं आपको बताती रहूँगी। एक्टिंग और ये लाइन एकदम डिफरेंट है, आपको दिक्कतें नहीं महसूस हो रही हैं? हाँ, मैं कहूँगी कि बहुत ही डिफरेंट है, क्योंकि एक्टिंग लाइन बहुत ईजी है, मेरे लिए तो बहुत ईजी है, क्योंकि मैं तो 7 साल की उम्र से ही काम करती हूँ और मेकअप लगा के और एक्टिंग कर देनी और सीन कर देना बहुत ईजी होता है। सब टेंशंस अब मुझे पता चलता है जब मैं ये कर रही हूँ कि एक प्रोड्यूसर्स के ऊपर कितनी सारी टेंशंस होती हैं, कितनी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। पहले हम जैसे बोल देते हैं किसी को भी कि अरे ट्रैफिक में लेट हो गए, आज हम थोड़ा लेट पहुँचेंगे। आज मैं सबको बोल रही थी कि प्लीज़ थोड़ा जल्दी आ जाना ताकि टाइम पे शूटिंग स्टार्ट हो सके। तो मैं अब रियलाइज़ कर सकती हूँ, मतलब मैंने पहले भी खैर एक एक आदमी के साथ कुछ 8-8, 10-10 चीज़ें की हैं, अगर फिल्म की है तो भी 4-5 फिल्में, सीरियल की हैं तो भी काफ़ी, क्योंकि मैंने कभी अपने प्रोड्यूसर्स को आज तक तंग नहीं किया, इसीलिए वो मुझे हमेशा रिपीट करते रहे। तो लेकिन आज मैं और ज़्यादा रियलाइज़ कर पा रही हूँ कि एक प्रोड्यूसर को एक्टर को कितना सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि अब मैं खुद प्रोड्यूसर बनी हूँ। सो बहुत अलग है, बहुत हैक्टिक, बहुत दिमाग पे बोझ रहता है आप प्रोड्यूसर बनते हैं और फर्स्ट टाइम आप कुछ स्टार्ट कर रहे हैं तो, लेकिन अच्छा है, ये एक नया एक्सपीरियंस है मेरी ज़िंदगी में, तो मुझे अच्छा लग रहा है। आप भी एक्टर हैं, आपके हस्बैंड भी एक्टर हैं, दोनों लोगों के पास टाइम कम रहता है, तो आपने ये प्रोडक्शन हाउस खोला, तो इसमें आपके हस्बैंड का क्या रोल रहता है? हाँ डेफिनेटली, वो भी एक्टर हैं और उनके भी सीरियल ऑन एयर हैं और मैं भी काम काफ़ी कर रही हूँ, लेकिन उन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया है हर तरह से, इमोशनली, और कभी भी मुझे किसी भी चीज़ की उनकी हेल्प की ज़रूरत होती है तो वो हमेशा मेरे साथ खड़े रहते हैं। मैं बहुत थैंकफुल हूँ उनकी कि उन्होंने मेरे प्रोफेशन को हमेशा समझा है। अगर ये अच्छा है कि हम एक ही प्रोफेशन से हैं तो वो इसको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं। मैं कई बार पूरी पूरी रात शूटिंग में बाहर रहती हूँ और वो मुझे बताते रहते हैं कि ये करो, या हम एक दूसरे की हमेशा हम लोगों ने प्रोफेशन में सपोर्ट की है और आज भी मेरे पास उनकी फुल सपोर्ट है। मैं भगवान की शुक्रगुजार हूँ कि मेरे को ऐसे हस्बैंड मिले। आपको आपकी धारावाहिक का नाम क्या है? दस्तक एक नई सुबह की। ये आप इस धारावाहिक से आप पब्लिक को क्या मैसेज देना चाहती हैं? ये असल में हर गांव की कहानी है, हर गांव गांव में कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं और गांव में जैसे किसान आत्महत्या कर रहे हैं या लड़कियों को क्या प्रॉब्लम्स हैं, दहेज क्या है, जैसे कि जो एक आम आदमी की ज़िंदगी की कहानी है, गांव में कितनी सारी प्रॉब्लम्स हैं उसके ऊपर ये कहानी है, जैसे कास्टिज़म है और गरीबी है उसके ऊपर ये सीरियल बनाया गया है। लेकिन उसे हम लोगों ने ऐसा नहीं किया है कि भाषण की तरह, हम नहीं उसे चाहते कि वो भाषण लगे लोगों को और इंटरेस्टिंग ना हो, ये एक हम लोगों ने उसे इंटरेस्टिंग बना के लोगों को मैसेज देने की कोशिश की है, क्योंकि अगर भाषण तो नेता लोग भी देते हैं, तो हम लोग एक्टर लोग अगर कुछ बनाते हैं तो हम अगर एक इंटरेस्टिंग वे से किसी चीज़ को प्रेजेंट करते हैं तो वो लोगों पे ज़्यादा असर करता है। जैसे कोई आदमी कॉमेडी कर रहा हो तो कॉमेडी के सीन्स करता है, लेकिन उसके बाद जब वही आदमी एक इमोशनल मैसेज देता है एंड में, तो वो ज़्यादा असरदार होता है कि कितना हंसने वाला इंसान एक इमोशनल मैसेज देता है। उसी तरह हम लोगों ने ट्राई की है कि इसे इंटरेस्टिंग वे में दिखाते हुए हम लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने की, उनको सॉल्व करने की उनको बता सकें, गवर्नमेंट की स्कीम्स उनको बता सकें कि किसानों के पास कितनी स्कीम्स हैं, कई उन्हें पता भी नहीं होंगी, और इस मैसेज के साथ ये एक इंटरेस्टिंग मेरा ख्याल सीरियल होगा। आप काफ़ी, आपने जैसा बताया कि 5 सालों से आपकी सोच थी प्रोडक्शन हाउस खोलने के लिए, तो इतना लेट क्यों हुआ? देखिए, तो मैं बहुत बिजी रही, मेरे पास टाइम ही नहीं था प्रोडक्शन हाउस स्टार्ट करने के लिए, और
इतने सब सीरियल्स, इतनी फिल्में थी कि मैं सोचती रही कि मुझे बनाना है, लेकिन कर नहीं पाई। और फिर अभी मुझे बहुत अच्छे पार्टनर्स मिले हैं, जैसे कि अभी हम मैंने शो किया था अविका ग्रुप के लिए, और वो लोग मुझे मिले, उनकी वाइफ उषा यादव जी, उन्होंने मुझे बोला कि चलिए हम एक सीरियल प्रोड्यूस करते हैं। आज तो वो नहीं आ पाई हैं क्योंकि वो लखनऊ में हैं, और उन्होंने मुझे कहा कि, और फिर हम लोगों ने उस पर वर्क करना शुरू किया, और आज देखिए वो स्टार्ट हो गया। चलिए उपासना जी, एक चीज़ आप ये बताइए कि आपने एक्टिंग भी खूब किया, आपने कॉमेडी में कपिल नाइट में भी बहुत नाम कमाया, आप प्रोडक्शन लाइन में आप जाना चाहिए वहाँ भी चली गई, लेकिन अब आजकल सारे एक्टर एक्टिंग के बाद प्रोडक्शन हाउस में जाना चाह रहे हैं, जा रहे हैं, उसके बाद पॉलिटिक्स में भी जाने का प्रयास कर रहे हैं, तो क्या आप भी इसके बाद पॉलिटिक्स में जाने के लिए सोचेंगी? नहीं नहीं, अभी मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा है, क्योंकि जो काम मुझे आता है मैं वही कर रही हूँ। मैं एक्ट्रेस हूँ, और मुझे लगता है कि जिसका मतलब होता है ना, कौआ चला हंस की चाल तो अपनी भी भूल गया, तो ऐसा ना हो कि मैं किसी डिफरेंट फील्ड में जाऊं और वो ना हो सके। तो मैं सोचती हूँ कि जो काम मुझे आता है मुझे वही करना चाहिए। थैंक यू उपासना जी, और कुछ आप अपने दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगे हमारे माध्यम से? मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि मुझे आपकी ब्लेसिंग्स चाहिए। आपने हमेशा एक्टिंग में मुझे बहुत प्यार दिया है, मैंने चाहे कोई भी तरह का रोल किया हो, अगर मैंने कॉमेडी की तो भी लोगों का प्यार मिला, अगर मैंने इमोशनल रोल्स किए तो भी लोगों ने लाइक किया। अभी मैं सीरियल कर रही हूँ संतोषी माउस में, मैं नेगेटिव कर रही हूँ तो भी लोग पसंद करें। तो इसी तरह से मैंने एक नई शुरुआत की है, एक नई पहल की है, तो मुझे लगता है इसमें भी मुझे ऑडियंस का साथ मिलेगा और लोग इस सीरियल को लाइक करेंगे। अरे ये सीरियल मेरी मदर के नाम से है, संतोष क्रिएशंस, तो मम्मी की तो ब्लेसिंग्स हैं ही मेरे साथ। इसमें मैं सूत्रधार हूँ, एंकर हूँ इस शो की, और जब भी इसको जब एक प्ले की तरह ये चलेगा, और उसमें जो जो प्रॉब्लम्स आएंगी उसे कैसे उससे कैसे मुक्ति ली जा सकती है, जैसे मैंने आपको बताया कि किसानों को क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, उनको गवर्नमेंट की तरफ से कौन सी स्कीम्स हैं, वो मैं बताऊंगी, वो एंकर बताएगी। और जैसे दहेज है या कोई भी प्रॉब्लम्स आती है उसको कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं, या हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, मैं इसमें भाषणबाजी कर रही हूँ। शाहबाज खान जी हैं जो कि ठाकुर प्ले कर रहे हैं, तेज सप्रू जी हैं, अंजलि जी हैं हमारी हीरोइन हैं, और बहुत से नामी एक्टर्स हैं इसमें जो काम कर रहे हैं, बाकी मैं खुद कर रही हूँ। थैंक यू सो मच।